हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम करेंगे कंटेम्प्रेरी के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछे जा चुके हैं और अब की बार भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम इन क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारा एक्सप्लेन द पॉलिसीज एक्ट्स एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी जो आपकी एजुकेशन से संबंधित जो भी पॉलिसी बनी है या कोई एक्ट आया है या कोई प्रावधान है, ये उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। दोस्तों, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जैसे 8-8 मार्क्स का भी बन सकता है, जैसे पॉलिसी अलग कर देगा या एक्ट अलग कर देगा तो, या जैसे एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का अगर उसे बनाना है तो 8-8 में ये डाल सकता है, या फिर इसका एक 16 मार्क्स का भी क्वेश्चन डाल देगा, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपकी पॉलिसी और एक्ट होते हैं वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। उसके बाद आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। तो आपने जो शिक्षा का अधिकार है इस एक्ट 2009 को आपने अच्छे से रीड कर लेना है, पढ़ लेना है। उसके बाद है डिस्कस फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ये आपके जो फंडामेंटल राइट हैं, अधिकार हो गए, आपके कर्तव्य हो गए और आपके ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गए, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना है। ये क्वेश्चन भी आपके जो जैसे आपकी धाराएं होती हैं उनसे रिलेटेड बन जाता है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है डिस्क्राइब द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 एंड 1992, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें दो पूछ रखी हैं, मैंने दोनों ही डाल दी हैं क्योंकि आपकी ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि एक ना दे के दूसरी दे देता है, तो आपने दोनों ही पढ़ लेनी है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो 1986 वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 1986 वाली आपके हर बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और इंडियन एजुकेशन कमीशन, ये दोनों कमीशन है, ये भी आपके पेपर में आ सकते हैं। उसके बाद है डिस्कस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और रिलेटेड इशू है मिड डे मील का, SSA का और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग का, तो ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये आपका जैसे इसके अंदर जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है उसका सार्वभौमीकरण के बारे में बताना है और इससे रिलेटेड जो जो इशू है जैसे मिड डे मील से या फिर सर्व शिक्षा अभियान से, तो इन और आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग से, तो इनसे भी ये क्वेश्चन इसके अंदर डाल सकता है। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय न्यू एजुकेशन रिफॉर्म्स, डिस्क्राइब देयर इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के ऊपर जो नए नए सुधार हुए थे उनका अर्थ बताना है, उसका मीनिंग क्या था और उसका शिक्षा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपके हर बार एग्ज़ाम में आ चुका है और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसको आपने छोड़ना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से रट लेना है, याद कर लेना है इस क्वेश्चन को। उसके बाद है व्हाट इज वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स जनरली फेस्ड इन वोकेशनल ऑफ एजुकेशन एंड आल्सो गिव सजेशन, यानी आपका जो शिक्षा का व्यवसायीकरण है इसके बारे में बताना है और इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और इसके लिए आप क्या क्या सजेशन दोगे। उसके बाद है आपका व्हाट इज़ LPG, LPG होता है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद है डिस्क्राइब नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये आपका जो NCF है 2005, ये आपने क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आप इसको भी पढ़ लेना। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपके, ये मोस्टली मैंने धाराएं हैं उनसे रिलेटेड ही बना रखे हैं, फिर आपके कमीशन हैं या कोई भी एक्ट वगैरह आया था उनसे रिलेटेड है, क्योंकि इनमें से मोस्टली क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को जो है अच्छे से पढ़ लेना, इनमें से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।